नगर पालिका को चुनाव को लेकर मैदान में बहुत सारे दिग्गज भी मैदान के अंदर चुनाव लड़ने के लिए उतर चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में एक सबसे बड़ी बात सामने आती है, वो ये आती है कि महिलाओं को उतना ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है जितना कि आरक्षण होता है, और बहुत कम ऐसी सीटें होती है जहाँ पे आरक्षण नहीं होने, महिला आरक्षण नहीं होने के बावजूद भी महिलाओं उम्मीदवारों को उतारा जाता है। और इसी मिथ को दूर करने के लिए वार्ड नंबर 47 से मैदान में है दीप्ति भारद्वाज, सामान्य सीट पर महिला होने के बावजूद भी वो मैदान में है और चुनाव लड़ रही है। उनका कहना है कि मुझे राजनीति के अंदर जो बहुत सारे मिथक है उनको दूर करना है, जैसा कि राजनीति गंदी है इसमें अच्छे लोगों को नहीं आना चाहिए, तो अच्छे लोग ही अगर आएंगे तभी गंदगी दूर होगी, गंदे लोग तो गंदगी को दूर नहीं कर पाएंगे। इस मामले में हम दीप्ति भारद्वाज के विचार जानते हैं, वो निर्दलीय के रूप के अंदर चुनावी मैदान में वार्ड नंबर 47 से। मैडम, सबसे पहले तो चुनाव आप लड़ रही हैं एक महिला होने के नाते एक साधारण वार्ड से, तो क्या आपके समर्थकों द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि हम महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए ही चुनाव लड़ रही है, कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वार्ड जो वार्ड संख्या जो 46 है वो महिला वार्ड है और वो मेरा वार्ड है, लेकिन मैंने जो सामान्य वार्ड है, सामान्य सीट का जो वार्ड है उसका चुनाव मैंने किया और उसमें महिला प्रत्याशी के रूप में मैंने उतरी हूँ निर्दलीय के रूप में, और मैं इसी मिथक को तोड़ने के लिए उस वार्ड का मैंने चुनाव किया, चुनाव लड़ने के लिए। मैडम, राजनीति के अंदर एक गलत मिथक और चलता है कि अच्छे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे विचार से तो अच्छे लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए, बुरे लोगों को या जो कहा जाता है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, तो ये एक बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि अच्छे लोग आएंगे, अच्छी राजनीति करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा माहौल बनाएंगे, तभी राजनीति जो है साफ सुथरी हो पाएगी और हमारा देश विकास कर पाएगा, इसलिए अच्छे लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी राजनीति के अंदर जो गंदगी और भ्रष्टाचार है वो मिट पाएगा। मैडम, आप अगर चाहती तो आप किसी पार्टी से भी आवेदन कर सकती थी, आपको टिकट भी मिल सकता था, तो आपने निर्दलीय का फैसला क्यों लिया, इसके पीछे क्या राज था? वर्तमान में देश का माहौल बहुत ही ख़राब है, दोनों तीनों जितनी भी पार्टियां हैं वो आपस में बहुत ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस तरह की राजनीति चल रही है और वो माहौल को बहुत ख़राब करती है। मैं अपने वार्ड के लोगों को दो भागों में बांटना नहीं चाहती, मैं सबके लिए काम करना चाहती हूँ, सब मेरे अपने हैं, इसलिए मैंने किसी पार्टी को नहीं चुना और निर्दलीय के रूप में अपना जो है चुनाव लड़ने का निश्चय किया। तो क्या आप ये मानती है कि पार्टी से चुनाव लड़ने से एक वार्ड के अंदर एक सी लाइन ऐसी खींची जाती है जिसे वार्ड दो या इससे ज़्यादा भागों में विभाजित हो जाता है? आप ऐसा कह सकते हो, हालांकि ये कोई बहुत ही पूर्णतः सत्य बात नहीं है, फिर भी मतभेद हो ही जाते हैं लोगों में, आपस में विवाद हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं, वो सब मैं नहीं चाहती और इसी वजह से मैंने ये रास्ता चुना। मैडम, हम बहुत सारे वार्डों में भी जाते हैं और लगातार 5 साल तक भी हम जनता के बीच में रहते हैं, बहुत सारे वार्ड के लोगों का ये आरोप होता है कि वार्ड मेंबर को तलाश करना या ढूंढ पाना संभव नहीं होता है, वो वार्ड मेंबर को ढूंढते हुए घूमते हैं, तो इसके लिए मतलब क्या रणनीति होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं अब समाज सेवा के लिए पूर्णतः तैयार हूँ, और जब व्यक्ति समाज सेवा के लिए पूर्णतः तैयार होता है तभी उसे राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति जो है राजनीति करने के लिए नहीं है, वो समाज सेवा करने के लिए ही राजनीति में आना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ पारिवारिक रूप से संतान के रूप में पूर्ण कर दी है, अब मेरे पास इस शहर ने मेरे को बहुत कुछ दिया, मुझे इज्जत दी, मुझे शोहरत दी, मुझे मैं नौकरी भी कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे पदों पे कार्य भी किया, अच्छे संस्थानों में भी कार्य किया, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं कुछ शहर के लिए करूँ, तो इसी वजह से अब मैं समाज सेवा में जब करना व्यक्ति चाहता है तो राजनीति एक जरिया बनती है उसके लिए, तो मैं इसी उद्देश्य को लेकर और इस क्षेत्र में अब आई हूँ और पदार्पण कर रही हूँ, वार्ड के वासियों का प्रेम सहयोग से मैं ये काम कर पाऊँ, यही मेरी आशा है।
आपने अपने एक कर्म के रूप में आपने शिक्षा के क्षेत्र को चुना, पहले आपने पढ़ाई की, उसके बाद में शिक्षा जगत में आपने शिक्षा की अलग जगाने का काम किया, अब राजनीति के माध्यम से आप समाज सेवा करना चाह रही है, चुनाव जो जीतते हैं वो हारते भी हैं और जो चुनाव लड़ते हैं वो हारते भी और जीतते भी हैं, लेकिन क्या अब यह समझा जाए कि अब आपका जो मिशन है वो समाज सेवा ही? बिल्कुल, चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, लेकिन अब मैं कार्य करूँगी तो समाज के लिए करूँगी। ज़्यादा जोर मेरा महिलाओं पे होगा, मेरे वार्ड के प्रति होगा, उसमें चाहे शिक्षा की बात हो, सफाई की बात हो, अन्य कार्यों की बात हो, सड़क निर्माण या कोई नाली लाइट, वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा, ये सारे कार्य हैं वार्ड में, सीसीटीवी कैमरा लगाना, सुरक्षा के लिए लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की कैंप लगाना, उनको उसकी शिक्षा देना, लड़कियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करना, वार्ड के लिए सफाई की व्यवस्था, उनके लिए एक सेवा केंद्र भी खोला जाएगा जिसमें उनकी बात को सुना जाएगा, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और तुरंत समाधान करने का प्रयास भी किया जाएगा। सभी वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था, मैं खुद डोर टू डोर जाकर ये पता करूंगी कि कौन पेंशन के योग्य है, कि जिसको पेंशन नहीं मिली और कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं खुद समझूंगी, खुद करूँगी। मैडम, आपने जो कुछ मुद्दे बताए हैं उन मुद्दों में से बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो परंपरागत रूप से हमारे यहाँ पर नहीं होते हैं, जैसे कोचिंग चलाना, तो कोचिंग चलाना, सीसीटीवी कैमरे वार्ड के अंदर लगाना, और जो बालिकाओं के लिए है वो आत्मरक्षा के लिए उनको प्रशिक्षण देना, तो ये अगर नगरपालिका से करने में कठिनाई आती है या नहीं हो पाता है तो क्या रास्ता रहेगा? इसके लिए मैं स्वयं भी थोड़ी सहायता करूंगी, कुछ लोगों से मांगूंगी, लोगों से सहायता प्राप्त करूंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनको वो जगह नहीं मिलती है कि वो कहाँ करें, वो कैसे किसी को दें, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है, मेरे को खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना सब कुछ ले चुकी, शहर ने मेरे को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब मैं करूँगी, लोगों से मैं इसके लिए फंड भी रेज करूँगी, उस फंड से खुद स्वयं उसमें योगदान दूँगी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके लिए योगदान देने के लिए तैयार हैं, मैं उनसे संपर्क करूंगी, वो सब इसमें सहयोग देंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं कार्य कर रही हूँ अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड वासियों से भी मैं सहयोग की आशा रखती हूँ, वो भी मुझे सहयोग करेंगे। इन सब के लिए मैं ये सारी व्यवस्थाएँ किसी ना किसी रूप में स्वयं जब शुरू करूँगी तो लोग अपने आप मेरी सहायता करने के लिए आगे आएंगे, देखेंगे कि अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छा कार्य में सहयोग देने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से मैडम, इरादे अगर मजबूत हो तो कोई भी काम रुकता नहीं है धन के अभाव में, जैसा कि चूरू के अंदर धर्मवीर है जो एक सिपाही होने के बावजूद एजुकेशन की के लिए कचरा बीनने वाले लड़कों को काम कर रहे हैं, तो अगर आपके इरादे मजबूत होंगे तो मतलब किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, इसके लिए आप एक बड़ा ग्रुप तैयार कर पाएंगे? बिल्कुल, मेरे साथ अभी भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो मेरे साथ अभी मेरे कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसमें युवा है, बालिकाएँ हैं, बच्चियाँ हैं, और कुछ जो है कि युवा वर्ग मेरे साथ है पूरा। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काम किया है, सभी मेरे को जानते हैं कि मेरा किस प्रकार का रवैया रहता है, तो सब मेरा सहयोग करेंगे, और धर्मवीर जी प्रेरणा ही हैं हम सब के लिए, तो मैं भी उसी तरह से कार्य करना पसंद करूँगा। मैडम, एक सबसे बड़ी बात सामने ये आती है कि वृद्धावस्था पेंशन का मतलब लाभ उन लोगों को मिलता है जिनके पास कोई आजीविका के संसाधन नहीं होते हैं और उनकी देख रेख करने वाले भी परिवार में लोग नहीं होते हैं, और वो वृद्धावस्था पेंशन है वो बूढ़ा होने के बाद मिलती है, तो उस वक्त आदमी शरीर से भी इतना सक्षम नहीं हो पाता है कि वो कहीं घूम सके, कार्यालयों में जा सके, तो इस पेंशन ने पाने के लिए और पेंशन नहीं आने पर कार्यालयों में जाने के लिए बूढ़े लोगों को दर दर भटकते हुए देखा जा सकता है, तो आपके कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने इस मामले में भी ठोस मतलब जो है वो रणनीति तैयार की है। हम इसके लिए एक फोन लाइन शुरू करेंगे और वो फ़ोन नंबर सभी को देंगे, कोई भी वृद्ध जो हमारे पास नहीं पहुंच सकता तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से और हमारी एक हेल्पलाइन के माध्यम से हम नंबर देंगे और वो हमें नंबर पे फ़ोन करेंगे और हम तुरंत उनके लिए वो कार्य करेंगे, और कोई भी हम खुद स्वयं हमारे कार्यकर्ता मैं खुद डोर टू डोर जाकर ऐसा पता करेंगे कि किसको इस तरह की पेंशन की सख्त आवश्यकता है और हम उनके लिए वहीं पे व्यवस्था करेंगे, उनको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, हम उनके पास जाके इस तरह की व्यवस्था करेंगे।
नहीं आप जैसे आपने बताया था कि वार्ड सेवा केंद्र भी का भी आप संचालन करेंगे, वार्ड सेवा केंद्र के अंदर हम हेल्पलाइन भी रखेंगे जिसमें कोई भी आएगा उनकी तरफ से फोन करके वो वहाँ आके वो अपनी समस्या रख सकता है, बता सकता है और हम उसकी सहायता करेंगे। हम आप मैं ये कह रहा था कि आप वार्ड सेवा केंद्र जो शुरू करेंगे उसके संचालन में मैं आपकी योग्यता पे संदेह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बीएड कॉलेज में भी आप प्राचार्य रही है, एक बीएड कॉलेज का आप संचालन कर भी रही है, तो शिक्षा कार्यालयों का संचालन करना आपको बेहतर तरीके से आता है। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि वार्ड सेवा केंद्र जो होगा उसमें मतलब किस प्रकार के संसाधन होंगे, उसका कौन संचालन करेगा, उसमें रेगुलर बैठने वाले व्यक्ति भी चाहेंगे? बिल्कुल, रेगुलर बैठने वाले व्यक्ति ऐसे कई महिलाएँ हैं जो मेरे साथ सेवा का कार्य करना चाहती है, समाज सेवा का, तो वो समय निकालेंगे, उसका एक समय निश्चित करेंगे कि भाई वो उस कार्यालय में 4-5 घंटे वहीं रहे और उसी समय के अंदर कुछ मैं दूंगी, सुबह शाम हमारे कार्यकर्ता देंगे जो अभी आजीविका उपार्जन कर रहे हैं, लेकिन वो सुबह शाम उस कार्य को कर सकते हैं। दोपहर का जो वक्त होगा जिसमें कि जो आजीविका उपार्जन के लिए चले जाते हैं कार्यकर्ता, वो नहीं उपस्थित हो पाएंगे, तो हम महिलाएं, इस प्रकार की महिलाएं हैं जिन्होंने आज ही, मैं वार्ड में जब संपर्क कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें जोड़िए और हम ये कार्य करेंगे आपके साथ में मिलके। नारी शक्ति का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है और कईयों ने मुझे इच्छा जाहिर की है, मैं नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन जब आप ये केंद्र शुरू हम करेंगे उसके बाद देखेंगे कि वो महिलाएं मेरे साथ जुड़ के ये कार्य जरूर करेंगी। तो क्या फिर ये समझे कि मतलब वार्ड मेंबर का चुनाव जीतने के बाद आप अकेले ही मतलब मेंबर नहीं होंगे बल्कि मतलब सारी महिलाएं वार्ड मेंबर बन जाएगी? काफ़ी महिलाएं मेरे साथ इसमें सहयोग करेगी ये निश्चित है, और मैं सभी को अपने समकक्ष ही समझती हूँ, वो मेरी सहयोगी होंगी, वो भी एक तरह से मेरी वार्ड मेंबर ही होंगी। ऐसा आपका राजनीति में ये पहला कदम है, राजनीति में आपका ज़्यादा अनुभव नहीं है, आप वार्ड में जब जाते हैं जा रहे हैं और डोर टू डोर मिल रहे हैं, महिलाओं से भी मिल रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों से भी मिलकर आप जीत के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वार्ड के लोगों का आपके प्रति किस प्रकार रुझान लगता है? मेरे प्रति उनका रुझान बहुत अच्छा है, सब मुझे स्नेह दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि भाई आप आइए इसमें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपको मत भी देंगे, और जरूर उनकी ये कामना है कि मैं विजय प्राप्त करूं और उनके लिए काम करूं, और मेरी भी यही कामना है कि मैं उनकी सबकी आशाओं पे खरी उतरूं और उनके लिए अच्छे से अच्छा काम करूं। आ वैसे तो निर्दलीय लड़ रही है, किसी पार्टी विशेष से नहीं लड़ रही है, लेकिन फिर भी जीतने के बाद व्यक्ति है वो किसी ना किसी पार्टी के समर्थन में चला जाता है, तो अगर आप इस बार जीतती है तो किसी भी जो आपके मतदाता होंगे पार्टी के स्तर पे उन पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा? भेदभाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं है इसमें, क्योंकि प्रतिनिधि जो होता है, जनप्रतिनिधि, वो सभी का होता है। हमारा जो लोकतंत्र है उसकी यही खूबसूरती है कि जब जनप्रतिनिधि बन जाता है तो उसको कभी भी अपने मतदाताओं से, चाहे उसने वोट दिया हो या ना दिया हो, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके लिए समान रूप से कार्य करना चाहिए, यही समाज सेवा का मुख्य उद्देश्य है। वोट तो मतदाता किसी ना किसी को तो देता ही है, उसमें मेरा कोई किसी से भी दुराव नहीं रहेगा, और मैं ये सबको आश्वस्त करती हूँ कि आप चाहे वोट मुझे दें ना दें, लेकिन मैं सबके लिए बराबर समानता का व्यवहार करूँगी, समानता से कार्य करूँगी। आपका वार्ड नंबर 47 है, उसमें ताल मैदान भी आता है और सरदार सर के जो चिकित्सा का मुख्य केंद्र है अपना राजकीय चिकित्सालय, उसकी में भी बुहारी अव्यवस्था रहती है, तो आप वार्ड मेंबर होने के नाते आपकी वहाँ पे ज़्यादा जिम्मेवारी बन जाती है कि वो मतलब अच्छा रहे, उसमें सारी व्यवस्थाएँ हो, इसके लिए आपको मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, तो किस प्रकार की भूमिका रहेगी इसमें? ऐसा है कि पिछले कुछ महीनों से विधायक जी ने वहाँ पे 100 बेड तो स्वीकृत करा ही दिए हैं, अभी चिकित्सा सुविधाएं अच्छे से अच्छी हो रही है, वहाँ पे लेडी डॉक्टर जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है उसकी भी नियुक्ति हो चुकी है, और भी हड्डी रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, ये सभी वहाँ पे अब आ रहे हैं, इन चिकित्सा सुविधाएं बढ़ रही हैं, ये विधायक जी के प्रयासों का ही परिणाम है, मैं उन्हीं को आगे बढ़ाऊँगी, और भी व्यवस्थाएं अच्छी करनी, सफाई की व्यवस्था, डॉक्टर्स जो अभी कमियां हैं, नर्सिंग स्टाफ की जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगी, उनसे इस बारे में मैं बिल्कुल चर्चा करूंगी, और उनका आशीर्वाद रहा तो ये सब असुविधाएं दूर करेंगे और चिकित्सा सुविधाओं को भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।
आपके वार्ड के अंदर स्थानीय विधायक मोहल्ला शर्मा का घर आता है और यहाँ से आप मतलब चुनाव लड़ रही है तो वोट मांगने के नाते आपको तो सभी के पास जाना पड़ता है। आपने जब विधायक जी से जीत के लिए आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने जीत का आपको क्या मंत्र दिया और राजनीति में किस प्रकार कार्य करना चाहिए इस बारे में आप उन्होंने मतलब आपको क्या बताया? उन्होंने मुझे यही कहा कि आपको एकदम अपने पूरे अंतःकरण को साफ करके और राजनीति में आना है, किसी से दुराव नहीं रखना है। आप मन में ये सोच के कि मुझे अब समाज सेवा के लिए ही समर्पित होना है और इसी भाव से आप राजनीति में आओ, तभी आपको सफलता मिलेगी और आगे भी आप सफल होंगे, यही आशीर्वाद उन्होंने मेरे को दिया। हमने सुना है कि आप मतलब वोट मांगने के लिए जो आपके प्रतिद्वंदी है भाजपा से मदनलाल ओझा, उनकी माताजी से भी आप मत के लिए मिली थी, तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। चुनाव को एक पारिवारिक रूप से और सहज रूप से और प्रेम से भी लड़ना चाहिए, तो आप जब उनसे मिली तो आपको बिल्कुल झिझक नहीं हुई कि मतलब जैसे प्रतिद्वंदी से वोट मांगनी चाहिए, या अगर उन पहले तो आप झिझक नहीं हुई ये बताएं, और उसके बाद मदनलाल जी की माता जी ने क्या कहा? देखिए वो मेरे से बुजुर्ग हैं, वो मुझे आशीर्वाद दे इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मदन मेरे लिए बच्चा है, उसको मेरा आशीर्वाद है। ऐसी कोई मैं इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखती हूँ कि हम कोई एक दूसरे पर छिटाकसी करें या कीचड़ उछालें। वो बच्चा है मेरे लिए, मैं अपनी विचारधाराओं के साथ चल रही हूँ। उनकी माताजी ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया और हमारा एकदम प्रेम से मिलन हुआ। कोई जीतता है कोई हारता है, उसमें इस तरह की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, और स्वस्थ हेल्दी एक कॉम्पिटिशन होना चाहिए और बेस्ट मैन विन, ये मेरा मानना है। हाँ, बेस्ट तो निश्चित रूप से जनता तय करेगी, ये 5 साल बाद में ये मतलब इसीलिए चुनाव होता है। तो अंतिम सवाल मेरा ये है कि आप मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 47 मतदाताओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपने एकदम, आज तक मैंने राजनीति में कदम नहीं रखा है, मैं साफ सुथरे तरीके से राजनीति करना चाहती हूँ, उसमें आप मुझे सहयोग प्रदान करें। मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मेरे लिए समाज सेवा ही प्रमुख कार्य है। मैंने अपने जीवन में जो प्राप्त करना था, शिक्षा और आजीविका का प्रबंध, ये सब हो चुका है मेरे लिए। अब मुझे समय ही है और इस समय का उपयोग मैं समाज सेवा के लिए करना चाहती हूँ। यदि मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी, चाहे मैं हारो या जीतो, मैं अपने वार्ड के लिए पूरा प्रयास करूँगी कि उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो, यही मैं अपने मतदाताओं से कहना चाहती हूँ और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो मुझे ये अवसर प्रदान करें। ये थी वार्ड नंबर 47 की निर्दलीय प्रत्याशी दीप्ति भारद्वाज। दीप्ति भारद्वाज लंबे समय से उच्च शिक्षा में इन्होंने सेवाएं दी है और उच्च शिक्षा में सेवाएं देने के बाद अब ये राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करनी चाहती है। निश्चित रूप से इनका मनोबल ऊंचा है, आत्मविश्वास भी इनका काफ़ी है और नए इरादों के साथ और नई सोच के साथ ये वार्ड नंबर 47 की जनता के बीच के अंदर वोट मांगने गई है। और महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को आदि आबादी के रूप में जाना जाता है, तो वो अगर राजनीति के अंदर शिक्षित महिलाएं भी आनी चाहिए और जो बहादुर महिलाएं भी राजनीति के अंदर आनी चाहिए, तो उसी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए दीप्ति भारद्वाज भी एक उदाहरण है। और फैसला वार्ड नंबर 47 की जनता को करना है कि वो किसको किस प्रकार मौका देती है, लेकिन इनका जो घोषणा पत्र है वो काफ़ी अनूठा और काफ़ी नया है।